हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन चल रहा है यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने आपको इस सॉल्यूशन के अंदर विलियम के अंदर आपको सबसे पहले हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया कि वास्तव में विलियम क्या है। विलियम आपका क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलाकर जो सामान्य मिश्रण बनता है वह आपका विलयन कहलाता है। सामान्य मिश्रण के बारे में हम बता चुके हैं आपको पूर्व के वीडियो में। और विलयन जो है दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। और विलेय प्लस विलायक जब मिलेगा आपका विलेय प्लस विलायक बराबर आपका विलयन बन गया। इन दो घटनों के समांगी मिश्रण से आपका विलयन का निर्माण हो जाता है। और टाइप्स ऑफ विलयन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विलयन जो है विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। हमारा विलायक किस प्रकार का है, यदि विलायक मान लीजिए ठोस है तो वह ठोस विलयन कहलाता है। दूसरा, यदि हमारा विलायक मान लीजिए द्रव है तो वह द्रव विलयन कहलाता है। और यदि हमारा विलयन गैस है, विलायक हमारा गैस है तो वह आपका विलयन कहलाता है। इनके हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमने पूर्व के वीडियो में आपको कंसंट्रेट सांद्रता के बारे में पढ़ाया। यदि किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा जैसे 1000 ml या 1 लीटर विलयन के अंदर, ये हमारा विलायक है, मान लीजिए जल है, इस विलायक के अंदर हम यदि 500 ग्राम विलेय NaCl मिला दें, नमक NaCl हम यदि विलय कर देते हैं तो यह विलयन कंसंट्रेट कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। और यदि मान लीजिए हमने 1000 ml या 1 लीटर विलयन के अंदर हम मान लीजिए 2 ग्राम NaCl मिलाते हैं तो यहां विलय की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए यह विलयन आपका तनु कहलाता है, इसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर हमको कंसंट्रेट और डाइल्यूट तनु ये हमको वहां पर लेबल सीसीओ पर लिखे हुए मिलते हैं, जिन्हें हम अभिकर्मक के रूप में हम काम में लेते हैं जब रेडिकल वगैरह का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सांद्र विलयन और तनु विलयन, अब इनको देखिए दो मात्रकों में हम, पहला है आपका भार भार मात्रक, बाहर बाहर मात्रक, और दूसरा है आपका जो है भार आयतन मात्र, भार आयतन मात्र, भार भार मात्रक और भार आयतन मात्रक। तो देखिए भार भार जो मात्रक है वो आपका है यानी कि विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक दोनों ही ग्रामों में हो, यानी दोनों की जो मात्रा है वो ग्रामों में हो, यानी विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक दोनों की मात्रा यदि ग्राम में हो, ग्राम में हो या द्रव्यमान के रूप में हो तो वह भार भार मात्रा कहलाता है आपका विलेय और विलायक। ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर इसका कोई प्रभाव, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि भार आयतन मात्रक में विलेय की मात्रा जो होती है वो ग्राम में होती है और विलायक की जो मात्रा है वो आपकी आयतन के रूप में होती है।
तो ये आपका जो कहलाता है वो भार आयतन मात्रा कहलाता है, और आयतन के कारण ये ताप पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? आपका भार आयतन मात्रक जो है ताप पर निर्भर करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये पूर्व के वीडियो में भार मात्रक, भार आयतन मात्रक, इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। भार मात्रक के अंदर जो है आपका विलेय और विलायक दोनों की मात्रा भार के रूप में होती है, ग्रामों के रूप में होती है, जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तभी भार आयतन मात्रक के अंदर विलेय की मात्रा जो है भार के रूप में होती है, ग्रामों के रूप में होती है, और विलायक जो है आयतन के रूप में होता है, तो ये ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए, हमने आपको इसके अंदर भार मात्रक के अंदर इस सॉल्यूशन वाले पांचवी यूनिट के अंदर जो है पहला जो मात्रक हम जो भार पढ़ रहे हैं, इसमें हमने आपको जो एग्जांपल आपको बताए थे उन एग्जांपलों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। देखिए पहला जो है हमारा वो है भार मात्रक, और इस भार मात्रक के अंदर देखिए मेन रूप से जो उदाहरण है हमारे वो है आपके भार प्रतिशत। भार प्रतिशत हम आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भार प्रतिशत के बाद में आपका जो है मोल भिन्न आपको पढ़ा चुके हैं। मोल भिन्न जिसे एक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, एक इकाई के बराबर होता है। भार प्रतिशत भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और तीसरा जो पॉइंट इसमें हमारा है, थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका मोललता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोललता। एग्जाम के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये प्रश्न खूब आता है मोललता, और छोटी क्लासों में भी आप पढ़ गए हैं। वास्तव में मोललता क्या है, यानी एक केजी वन केजी विलायक में, वन केजी विलायक में विले के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भार मात्रक है। ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि यह भार मात्रक के अंदर है, भार मात्रक है। यह सांद्रता के मापने की सांद्रता मापने की ये सबसे अच्छी विधि है। तो देखिए सांद्रता मापने की ये सबसे अच्छी विधि है आपकी, सांद्रता मापने की ये सबसे अच्छी विधि है, सांद्रता मापने की सबसे अच्छी विधि है। तो देखिए स्टूडेंट्सो, हमने पूर्व के वीडियो में आपको जो है भार मात्रक के अंदर आपको भार प्रतिशत मोल भिन्न के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज के वीडियो में जो है मोललता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता
कहलाती है। इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि यह भार भार मात्रक है। यह सांद्रता के मापने की सबसे अच्छी विधि है। आप देखिए, ये आपके दो घटक हैं ए और बी। हम पूर्व के उन भार प्रतिशत और मोल भिन्न इस प्रकार से पढ़ के आए थे। ये दो घटक हैं विलेय प्लस आपका विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो इनका जो भार होगा वो देखिए आपका डब्ल्यू ए और ये हो गया आपका डब्ल्यू बी। अणुभार जो है आपका, अणुभार हमारा मॉलिक्यूलर वेट एम ए और एम बी, और मोल जो है हमारी वो हो गई एम ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए, भार बटे अणुभार। इसी प्रकार एम बी बराबर आपका डब्ल्यू बी बटे एम बी। आप देखिए, यानी मोलनता बराबर आपका जो फॉर्मूला है, मोलनता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार केजी। यदि विलायक का भार हम केजी में लिख रहे हैं तो फिर हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे, यानी स्मॉल एम बराबर हमारा जो है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो इंटू 1000 हो गया ग्रामों में मात्रा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में स्मॉल एम बराबर आपका डब्ल्यू ए बटे आपका हो गया एम ए इंटू डब्ल्यू बी बटे ओ इंटू 1000। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट मोलता के बारे में प्रश्न आता रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाहर बाहर प्रतिशत के अंदर अपन तीन टॉपिक अपन ने पढ़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तीनों ही टॉपिक हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हम भार प्रतिशत पढ़ के आए थे, दूसरा हम मोल भिन्न पढ़ के आए थे, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोललता। तो मोललता देखिए, 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 kg ये भी हम ग्राम के अंदर ले रहे हैं, यानी भार के रूप में ले रहे हैं, विलेय की मात्रा भी हम भार के रूप में ले रहे हैं, तो इसलिए भार भार मात्रक है कि संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि यह भार भार मात्रक है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सांद्रता के मापने की सबसे अच्छी विधि है। जैसे ए और बी दो आपके ये घटक हैं, विलेय प्लस विलायक, जिनको हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको पढ़ाया था भार प्रतिशत के अंदर और मोल भिन्न के अंदर। इसे डब्ल्यू ए से डब्ल्यू बी, भार वेट का हमने डब्ल्यू ले रहे हैं, अणुभार मॉलिकुलर वेट का एम ले रहे हैं। तो ए का ये घटक, ए बी का विलायक का घटक, मोल जो है एम ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए, भार बटे अणुभार एम बी बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी, और फॉर्मूला जो मोलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार केजी में। यदि हम केजी में ले रहे हैं तो 1000 से हम गुणा नहीं करेंगे। यदि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक के ग्रामों में मात्रा इंटू 1000, हम इस रूप से लिख रहे हैं मोलता को, हम स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने तीनों इसके अंदर जो एग्जांपल पढ़े, भार प्रतिशत, मोल भिन्न और मोलता। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भार आयतन मात्रा। भार आयतन मात्रा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे
आपका वो है आपका भार आयतन मात्र, भार आयतन मात्र। और भार आयतन मात्र के अंदर देखिए आप, भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक। और भार आयतन मात्रक में देखिए आपका ये जो है आपका भार आयतन मात्रक, आपका दूसरा टॉपिक है यह भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक में देखिए W ऑब्लिक V, ये वेग ऑब्लिक आयतन। भार आयतन मात्रक में क्या होता है, विलेय की जो मात्रा होती है वो भार के रूप में होती है, द्रव्यमान के रूप में होती है, और विलायक जो होता है वो आयतन के रूप में होता है, इसलिए इसे हम भार आयतन मात्रक कहते हैं। और इस भार आयतन मात्रक जो है वो मुख्य रूप से आपका ताप पर निर्भर करता है, हम बता चुके हैं ताप पर निर्भर करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ आयतन जो है वो द्रव अवस्था में होता है, इसलिए वो ताप से प्रभावित हो जाता है। इसके अंदर हम जो एग्जांपल जो पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका है मोलरता, सबसे पहले हम मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता के बाद में हम नॉर्मलता पढ़ेंगे, और नॉर्मलता के बाद में हम फार्मलता पढ़ेंगे। इसी पर तीन जैसे वहां पढ़े थे हमने, भार प्रतिशत, मोल भिन्न और मोलरता। तो ये हमारा जो है मोलरता पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, वास्तव में मोलरता क्या है। तो ये लीजिए आपका मोलरता, मोलरता है एक लीटर विलयन के अंदर, एक लीटर विलयन में या एक लीटर विलायक के अंदर, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह भार आयतन होने के कारण होने के कारण ताप पर निर्भर करता है, ताप पर क्या करता है आपका निर्भर करता है, यानी ये ताप से प्रभावित हो जाता है। तो भार आयतन मात्रक देखिए मेन रूप से ताप पर निर्भर करता है, जिसके अंदर हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, उदाहरण के रूप में मोलरता, नॉर्मलता और फार्मूला। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, जिसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये भार आयतन होने के कारण ताप पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला जो है देखिए, यानी मोलरता आपका, मोलरता कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता बराबर आपका क्या हो गया, विलेय का भार, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी विलेय का अणु भार इनटू आपका हो गया विलयन का आयतन लीटर में, इनटू विलयन का आयतन आपका लीटर में आप ले रहे हैं तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, यदि आप एमएल में ले रहे हैं तो देखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इनटू विलयन का
आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला है। आप देखिए हम लेबोरेटरी के अंदर जो पढ़ते हैं वो है आपका जैसे 1 mm मोलरता का सॉल्यूशन है तो ये कहलाता है 1 मोलर, 1 मोलर। ये आप समझ लीजिए न्यूमेरिकल कराएंगे, 1 मोलर हो गया आपका। m/10 का जो सॉल्यूशन है वो आपका कहलाता है डेसीमोलर, डेसीमोलर कहलाता है। m/100 आपका 100 का जो है वो आपका कहलाता है सेंटीमोलर, सेंटी आपका मोलर कहलाता है। ये आपका डेसीमोलर है, ये आपका सेंटीमोलर है। m/1000 का जो कहलाता है वो आपका मिली मोलर कहलाता है, मिली मोलर कहलाता है, मिली मोलर कहलाता है। और m/2 का जो कहलाता है वो आपका सेमी मोलर कहलाता है, सेमी मोलर कहलाता है। और 5 mm जो आपका है वो है पेंटा मोलर कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखने, ये सॉल्यूशन बनते हैं हमारे 1 mm। जैसे सवाल इन पर लगाएगा आपका डेसी मोलर है, सेंटी मोलर है, मिली मोलर है, ये मान आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और जो मोलरता का जो समीकरण हम इक्वेशन जो छोटी क्लास में ही 12th क्लास में जो हम प्रैक्टिकल कराते हैं ट्राइट्रेशन वाला, तो मोलरता का समीकरण वहां पर भी हम पढ़ के आते हैं जिससे हम सवाल करते हैं ट्राइट्रेशन का। मोलरता का जो समीकरण हम वहां पर पढ़ के आते हैं आपने खूब किया होगा, m1 v1 m2 v2। ये देखिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको बहुत काम आएगा, तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में आपको रखना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम सवाल करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हम भार आयतन मात्रक के अंदर जो है ये w/v जो कि भार डैश आयतन मात्रक जो है ताप पर निर्भर करता है। इसमें विशेष रूप से मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता, 3 एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला हम जो पढ़ रहे हैं मोलरता पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह भार आयतन होने के कारण ताप पर निर्भर करता है। हम इसे मोलरता का फॉर्मूला जो है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लिख रहे, यानी m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में तो इंटू 1000 से हम गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे केमिस्ट्री लैब में जो सॉल्यूशन बनते हैं 1 मोलर m/10 डेसी मोलर, m/100 सेंटी मोलर, m/1000 मिली मोलर, m/2 सेमी मोलर और ये पेंटा मोलर। मोलरता का जो समीकरण हम 12th क्लास में भी हम जब प्रैक्टिकल कराते हैं ट्राइट्रेशन का तो वहां हमको पढ़ के आते हैं m1 v1 m2 v2। यहाँ m जो है आपका मोलरता है, v आपका आयतन है। इसी प्रकार से ये सारे आपके न्यूमेरिकल हम जो कराएंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला आपका काम में आएगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स।